मोहम्मद गौरी कृपया करके व्यूअर्स को बताइए, व्यूअर्स काइंडली नोट इट, आप भी लिखिए अपने घरों में बैठकर, बताइए पांच जजेस कौन थे और किस पैराग्राफ में था। नहीं बैठा हूँ अमीर जी, हम एग्जाम देने नहीं बैठा हूँ। एग्जाम नहीं आप, अरे आप बताइए ना किस पैराग्राफ में लिखा है सुप्रीम। अरे आप तो नाराज हो रहे मोहम्मद गौरी, मैंने आपसे थोड़ी सवाल पूछ लिया है, मैंने थोड़ी आपसे सवाल पूछ लिया कि आप ज्योमेट्री की तस्वीरें बनाइए, आप फिजिक्स का फॉर्मूला, आप फिजिक्स का फॉर्मूला बताइए, केमिस्ट्री का फॉर्मूला बताइए, आपको किसी ने थोड़ी बोला ये लिखने के लिए, आपको बोला किसी ने अलजेब्रा के सम्स करने के लिए नहीं ना, आपको किसी ने बोला यहाँ पर ग्रामर का टेस्ट देने के लिए नहीं ना, आपको किसी ने नहीं बोला व्याकरण का टेस्ट देने के लिए, आपको किसी ने नहीं बोला उर्दू का आप टेस्ट दीजिए, किसी ने नहीं बोला। आप जिस डिबेट में आए हैं आपने उसमें राम मंदिर की बात करी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करी, पांच जज कौन थे सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने फैसला दिया, और पॉइंट नंबर टू जो आपको आंसर करना चाहिए, जो आपने खुद कोट करा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस पैराग्राफ में बाबरी मस्जिद का जिक्र किया और कहा है कि इसको इल्लीगल तरीके से तोड़ा गया था, इसे विध्वंस किया गया था, जो गलत है, जो आपने बोला किस पैराग्राफ में लिखा, कृपया करके कोट करिए व्यूअर्स को प्लीज। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज नहीं आ रही होगी, आवाज नहीं आ रही होगी आपके पास, निकालेंगे तो आवाज कैसे आ जाएगी, आवाज आएगी आप तक, आवाज आ रही होगी आप तक, आई आवाज, आवाज आ रही है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी आवाज नहीं पहुंच पा रही क्या? अरे नहीं नहीं आवाज आ रही, आ रही, आ गई, आ गई, चलिए बहुत बढ़िया हुआ, ये तो आवाज आप तक पहुंच गई। तो मोहम्मद गौरी साहब सरल सवाल बता दीजिए, जो आपने कोट करा ये फैसला किस पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट के लिखा गया है, किस पन्ने पे लिखा गया है ये बता दीजिए, और पांच जज कौन थे बताइए। ये कोई सवाल ही नहीं है, सवाल के जवाब देने नहीं बैठे हैं, हमको पता है, बताइए फिर, पता किए नहीं बैठे हैं। अच्छा बताइए बताइए, आप लोगों को देखो हमेशा 10 सेकंड ले लीजिए, हमेशा क्या रहता जानते हैं, किसी एक चीज को प्रॉपर तरीके से आप इस चीज को कर लेते हैं कि भाई ऐसे कोई ऐसे क्वेश्चन किया जाए जिसपे मामला जो डिबेट जिसपे हो रहा है उससे हट जाए, ये डिबेट कुछ और करने है, छात्र नेता है मोहम्मद गौरी आपका नाम है, सुप्रीम कोर्ट के जज को बता रहे हो उसके बाद कहोगे सवाल, आपने आपने फैसले को कोट किया मोहम्मद गौरी, ये तो कोई बात नहीं हुई, आपने फैसले को कोट किया, आप कह रहे कि आप मेरे पीछे पड़ गए हो, आप बोलिए आपको नहीं पता है, इसमें क्या बात है, कई बार नहीं पता होता, कई बार बिना पढ़े आ जाते हैं लोग एग्जाम में भी आ जाते हैं, क्या हो गया अभी थोड़ी देर पहले आपको आवाज भी नहीं जा रही है, उसको छोड़ दीजिए, चलिए आप यहाँ एग्जाम चलिए छोड़ दिया, चलिए।